आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। आबार एक बार भाई और बहनों, सामान्य तौर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है उसकी इच्छा होती है कि वो मरने के बाद बच्चों को कोई तकलीफ न हो, बच्चे दुखी न हो, बच्चे मुसीबत में न पड़े, इसलिए परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के बच्चों के लिए छोड़ करके कुछ जाना चाहता है। वो अपने वारिस को कुछ दे करके जाना चाहता है। लेकिन मोदी के वारिस कौन है भाई? मोदी के वारिस कौन है? मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब मेरे देशवासी हैं, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिस है। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, और इसलिए मैं भी जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता है, वैसे मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं। विकसित भारत उनके हाथ में दे करके जाना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को देखिए और पार्टियों को देखिए, वो सारे के सारे लोग देश की जनता को, आपको लूटने में ही लगे हैं। ये अपने वारिसों के लिए बंगले बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, तो मोदी भी तो कम नहीं है। अगर वो अपने वारिस के लिए बना रहे हैं तो मैं भी तो मेरे वारिस के लिए बना रहा हूं, और मैं मेरे वारिस के लिए क्या बना रहा हूं? अब तक मेरे वारिस गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बना दिए। मुझे वारिस को कुछ देना चाहिए ना, और 3 करोड़ पक्के घर और बनाने वाला हूं। मोदी हर घर जल मिशन चला रहा है। मोदी हर गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी अपनी बहनों को, बेटियों को उनका जीवन आसान बना रहा है। आज करोड़ों महिलाओं के पास उज्ज्वला का सस्ता सिलेंडर है। आज हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपये की मदद मिलती है, ताकि उसके पोषण में कमी ना रहे, और गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो दुर्बल न हो। मोदी ने
कामकाजी गर्भवती महिलाओं की छुट्टी भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। साथियों, अब मोदी एक बहुत बड़ी गारंटी लेकर आया है। मोदी देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना चाहता है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों को हम नई नई ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैंने नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाने का काम भी शुरू किया है। इससे खेती में